अभिषेक मल्लान को मिला है बहुत ही बड़ा रियलिटी शो, लेकिन भाई रियलिटी शो मिला अभिषेक को और ट्रोल हो रहे हैं एल्विश, आखिर क्या वजह है इसकी, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूस और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांडू। आपको बता दें कि एल्विश यादव भाई अभी हाल फिलहाल इन्होंने अभिषेक मल्लान के खिलाफ जो है नेगेटिव पीआर वाली बातचीत के बारे में इन डायरेक्ट वे में बहुत सारी चीज़ें बोल दी। सबसे खतरनाक लाइन और हेडलाइन तो ये थी कि भाई हम तो उसको भाई मानते हैं, अपना ही है कोई खास भाई, हम उसको भाई मानते हैं, लेकिन पता नहीं वो हमको भाई मानता है नहीं मानता। ये जो चीज़ें हुई, ये जो इंसिडेंट्स हुए बहुत तगड़े थे, बहुत ज़्यादा बेहतरीन थे, लोगों को बहुत पसंद भी आए थे, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों ने कॉन्ट्रोवर्सी भी ढूंढी, बहुत बवाल भी हुआ। और आपको बता दूँ कि भाई इस पर्टिकुलर समय पर, इस मोमेंट पर अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी जो बयानबाजी हुई है ये हुई है कि भाई जो नेगेटिव पीआर वाली बातचीत थी वो तो एल्विश ने क्लियर नहीं की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रिडिक्ट कर दिया कि एल्विश ने ही किया। और इस समय अगर देखा जाए तो भाई एल्विश यादव हो या फिर अभिषेक मल्लान हो, दोनों की पता नहीं बातचीत है या नहीं है, लेकिन एल्विश को जो है ट्रोल किया जा रहा है अभिषेक की वजह से। अभिषेक मल्लान को एक नया शो मिला है टेम्पटेशन आईलैंड, जो कि एक डेटिंग शो होने वाला है, एक रियलिटी शो होने वाला है, जिसको आदित्य रॉय कपूर भी होस्ट करेंगे और को होस्ट होंगे अभिषेक मल्लान। अभिषेक बता दूं कि को होस्ट इन द सेंस कि सिर्फ एक सेगमेंट, एक पर्टिकुलर सेगमेंट होस्ट करने के लिए इनको रखा गया है अभिषेक मल्लान को। और जिसके बाद भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो एल्विश को ट्रोल कर रहे हैं, ये कहते हुए कि भाई तुम तो भले ट्रॉफी जीत गए, लेकिन अगला बंदा यानी कि अभिषेक मल्लान जो है वो रियलिटी शो होस्ट बन चुका है। तो ये फ़र्क समझिएगा भाई, फिलहाल ये कहीं ना कहीं जो ट्रोलिंग है बहुत एक्सट्रीम लेवल होती जा रही है और लोग एल्विश को जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अभिषेक इस मुकाम पर पहुँच गए हैं, आप कहाँ पर हो, इस तरीके की बातें बोल के बोलते हैं ना नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। भाई फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है इन सभी बातों पर, आखिर क्यों किया जा रहा है ट्रोल अभिषेक मल्लान को, हमें ज़रूर बताएगा हमारे, आखिर क्यों किया जा रहा है ट्रोल एल्विश यादव को, माफ़ी चाहता हूँ, हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।